हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए एस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम पर्यावरण का पार्ट 8 देखेंगे, जिसमें सीटेट की दृष्टि से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। इसके पहले के पार्ट 1 से 7 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जिसने भी नहीं देखा हो वो वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चों के स्कूल जाने के तरीकों में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन नंबर ए, मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी से, बी लंबे रास्ते में साइकिल से, सी ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते में भागते हुए पैदल, डी बर्फ से ढके हुए रास्ते में एक दूसरे का हाथ पकड़कर, और ई केरल ट्राली। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, क्योंकि मैदानी इलाकों में बच्चे बैलगाड़ी से जाते हैं और लंबे रास्ते पर साइकिल से जाते हैं, ये भी राइट है। ऊबड़ खाबड़ जो पथरीले रास्ते हैं वहाँ पे ना बैलगाड़ी चलती ना साइकिल चलती, वहाँ पे बच्चे पैदल जाते हैं। डी बर्फ से ढके रास्तों पर बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर पैर गड़ाते हुए जाते हैं जिससे फिसले ना, ये भी राइट होगा। इसका इसमें पूछा है कौन सा मिलान गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ट्राली केरल में नहीं बल्कि लद्दाख में चलती है। लद्दाख में लोग बच्चे ट्राली का इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए। देखते हैं इसका एक्सप्लेन। ये देखिए, बर्फ पर चलते बच्चे हैं। इसमें लिखा भी है, देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। ये हो गया बर्फ पर चलते बच्चे। नेक्स्ट है बैलगाड़ी। ये मैदानी इलाकों पे बच्चे बैलगाड़ी से जाते हैं। इसमें क्या दिया है, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल जाते हैं, तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। ये पथरीले रास्ते में बच्चों को जाते हुए दिखाया गया है। इसमें क्या दिया है, हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर लेते हैं। ऊबड़ खाबड़ जो जगह होती है वहाँ बच्चे भागते हुए या पैदल चलकर पहाड़ी रास्ते पार करते हैं। लंबे रास्तों को देखते हैं। ये देखिए, बच्चे साइकिल से स्कूल जा रहे हैं, साइकिल की सवारी। इसमें क्या दिया है, लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं हम। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। इन सब का एक्सप्लेन हो गया है। जो ऑप्शन नंबर ई है इसका राइट होगा, केरल ट्राली केरल में नहीं बल्कि लद्दाख में चलती है। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था आपको कि केरल में क्या चलती है, लद्दाख में क्या चलती है, उसमें भी कई ऑप्शन दिए थे। जिसने ना देखा हो वो वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जब कोई व्यक्ति रेलगाड़ी द्वारा वलसाड़ गुजरात केरल जाता है, गुजरात से केरल जाता है, तो आपको वलसाड़ रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? छोले भटूरे तथा लस्सी, बटाटा वड़ा, पूड़ी साग, ठंडा दूध, सी इडली चटनी तथा नींबू वाले चावल, डी ढोकला चटनी। जब कोई व्यक्ति वलसाड़ गुजरात से केरल जाता है तो उसको गुजरात जो स्टेशन में है वहाँ मिलता है बटाटा वड़ा, पूड़ी साग और ठंडा दूध। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंडगांव स्टेशन है केरल में, गोवा में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में। मंडगांव जो स्टेशन है वह गोवा में पड़ता है, अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ राज्यों के सम्मुख उनकी बोलियां दी गई हैं, निम्न में से कौन सी बोली उस राज्य से मेल नहीं खाती? मलयालम केरल, कोंकणी गोवा, मराठी गुजरात, कन्नड़ कर्नाटक। ऑप्शन नंबर इसका राइट है, क्योंकि केरल में मलयालम बोली जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है मेल नहीं खाता, तो ए तो राइट हो गया। कोंकणी गोवा, गोवा में कोंकणी बोली जाती है, ये भी राइट है।
मराठी गुजरात, कन्नड़ कर्नाटक, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो ये भी राइट हो गया। गुजरात में मराठी नहीं बल्कि गुजराती बोली जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुजरात में मराठी नहीं बोली जाती बल्कि गुजराती बोली जाती है। देखते हैं, गुजरात में गुजराती और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में, और गुजरात में गुजराती। नेक्स्ट देखते हैं, बाल विवाह कानून के अंतर्गत लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित की गई है। लड़के 21 वर्ष, लड़कियां 18 वर्ष। लड़के 18 वर्ष, लड़कियां 16 वर्ष। लड़के 20 वर्ष, लड़कियां 18 वर्ष। लड़के 22 वर्ष, लड़कियां 21 वर्ष। इसका राइट आंसर तो आप सबको पता होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले क्या होता था, बहुत छोटे में ही विवाह कर दिया जाता था, इसलिए फिर यह कानून बना, बाल विवाह कानून, जिसके अंतर्गत लड़कों की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन फूलों से रंग बनाए जाते हैं? गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल, गुलदावरी और जीनिया के फूलों से, केले के फूलों से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गुलाब जल में क्या मिलाकर लगाने पर सर्दियों में त्वचा नहीं फटती? ग्लिसरीन, नींबू का रस, ए और बी दोनों, संतरे का रस। ये तो आप में से कई लोग लगाते भी होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाब जल में ग्लिसरीन और नींबू का रस मिला के लगाने पर सर्दियों में त्वचा नहीं फटती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदियों में कहीं कहीं मछलियां मरी हुई होती हैं, इसका क्या कारण है? कहीं कहीं देखा होगा आपने कि कहीं कहीं नदियों में मछलियां कम होती हैं, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होती हैं, और कहीं कहीं की मछलियां मरी हुई होती हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? ऑक्सीजन की कमी, पानी में जहर घोलने से, औद्योगिक प्लांटों से, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्योंकि कभी कभी पानी इतना प्रदूषित हो जाता है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे मछलियां मर जाती हैं। बी है, पानी में जहर घोलने से, ये भी होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो पानी में ईर्ष्या के कारण जहर मिला देते हैं ताकि वहाँ की मछलियाँ मर जाएं। तो ऑप्शन नंबर बी भी राइट होगा, औद्योगिक प्लांटों से। कभी कभी ऐसा होता है कि तालाबों के पास औद्योगिक प्लांट लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ से जो प्रदूषण निकलता है उससे तालाब का पानी प्रदूषित हो जाता है और मछलियाँ मर जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी राइट होगा, अतः इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी सब्जी में बीज नहीं होते हैं? टमाटर, आलू, पत्ता गोभी, ब्रोकली, केला, सेब। टमाटर, टमाटर में तो बीज होते हैं, ये नहीं होगा। आलू, आलू होगा, क्योंकि आलू में बीज नहीं होते हैं। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी में भी बीज नहीं होते, ये भी होगा। ब्रोकली, ब्रोकली भी होगा, क्योंकि इसमें भी बीज नहीं होते। ब्रोकली भी एक गोभी टाइप की होती है, जो हरी हरी होती है, उसे हरी गोभी भी कुछ लोग कहते हैं। केला, केला में भी बीज नहीं होता, ये भी होगा। सेब, सेब में बीच में बीज रहते हैं, अतः ये नहीं होगा। देखते हैं, आलू, पत्ता गोभी, ब्रोकली, केला किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी देखिए, ब्रोकली, आलू, पत्ता गोभी, केला, इसमें चारों ऑप्शन दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पहेली से पहचानिए यह किस पक्षी से संबंधित है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। ऑप्शन नंबर ए कोयल, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन नंबर सी कलचिड़ी, ऑप्शन नंबर डी फाख्ता। यह जो पहेली है यह मोर से संबंधित है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। यह पहेली मोर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक गिलास पानी को उबाल कर ठंडा करके उसमें एक चम्मच शक्कर और एक चुटकी नमक डालकर घोल बनाकर पिलाते रहना चाहिए, यह किस बीमारी में उपयोग किया जाता है? यह जो घोल है यह किस बीमारी के लिए है? ऑप्शन नंबर ए उल्टी या दस्त, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी एनीमिया।
मलेरिया मच्छरों से फैलता है, टाइफाइड प्रदूषित जल से फैलता है, और एनीमिया आयरन की कमी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जब उल्टी या दस्त होता है तब उसको मरीज को नमक और चीनी और पानी का घोल पिलाकर मिलाकर पिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका चोट लगने पर प्रयोग किया जाता है? हल्दी का, काली मिर्च, अजवाइन, लौंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब किसी को चोट लग जाती है तो उसमें हल्दी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वह कौन है जो हाजमा ठीक रखती है तथा खाने के बाद लोग इसे खाते हैं? यह मुँह का स्वाद बढ़ाती है। काली मिर्च, लौंग, अजवाइन, जीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अजवाइन वह है जो हाजमा को ठीक रखती है और खाने के बाद लोग इसे खाते हैं, यह इससे मुंह का स्वाद भी बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दांत के दर्द में किया जाता है? लौंग, इलायची, अजवाइन, काली मिर्च। अजवाइन अभी हमने आपको बताया ये हाजमा बढ़ाती है। लौंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौंग। लौंग का प्रयोग दांतों के दर्द में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस किटपो पुल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लद्दाख, असम, केरल, राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में इस किटपो पुल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कहाँ माँ को अम्मा ले तथा पिताजी को आबा ले कहते हैं? लद्दाख में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या केरल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माँ को आमा ले और पिताजी को आबा ले, यह लद्दाख में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील की शुरुआत कब से हुई थी? 15 अगस्त 1995, 26 जनवरी 1995, 15 अगस्त 1997, 26 जनवरी 1997। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मिड डे मील की जो शुरुआत हुई थी वह 15 अगस्त 1995 को हुई थी। मिड डे मील वह है जो बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है स्कूलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो फैलता है जीवाणु से, विषाणु से, जन्मजात, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु से। पोलियो जो फैलता है वह जीवाणुओं से फैलता है, ये जन्मजात नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, घटती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऊंचाई पर जाने से हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह घटती है, अतः व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। कुछ लोग तो पहाड़ों पर चढ़ते वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडा साधारण पानी में डूब जाता है जबकि नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? क्योंकि साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अंडे का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। अंडे का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वह साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए अंडा साधारण पानी में डूब जाता है जबकि नमकीन पानी में तैरता रहता है। नींबू की भी यही विशेषता होती है, वो भी नमकीन पानी में तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से भारत में पैदा होते हैं? आम, लाल मिर्च, भिंडी, सोयाबीन। हमने आपको बताया था कि लाल मिर्च जो है वह अमेरिका से आई है, पिछले वीडियो में बताया था, जिन्होंने ना देखा हो वो वहाँ जाकर देख सकते हैं। लाल मिर्च अमेरिका से आई थी, भिंडी यूरोप से आई थी और सोयाबीन चीन से आई थी। सॉरी, भिंडी अफ्रीका से आई थी और सोयाबीन चीन से आई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम। आम भारत में ही पैदा होता है, ये कहीं से नहीं आया।
लाल मिर्च आई अमेरिका से, भिंडी अफ्रीका से और सोयाबीन चीन से आई थी। देखते हैं भारत में क्या क्या पैदा होता है। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सभी भारत में पैदा होते हैं, अतः ये सब देसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरन पोली है, अरहर के दाल की मीठी रोटियां, मसूर के दाल की मीठी रोटियां, उड़द के दाल की मीठी रोटियां या फिर चने की दाल की मीठी रोटियां। पूरन पोली जो होता है वह चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे टाइप गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिज्म से कितने रंग दिखाई देते हैं? 5, 6, 7, 8। प्रिज्म से जब कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखते हैं 7 कौन कौन से रंग होते हैं। 7 रंग जो होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सभी 7 रंग होते हैं। बैगनी सबसे नीचे होता है और लाल सबसे ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्धा शहर है हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। वर्धा जो शहर है वह महाराष्ट्र में पड़ता है, अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनर का अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए झील, बी अकेला रहने वाला, सी नदी, डी समुद्र। लोनर का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी अकेला रहने वाला, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन स्थित है? मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, मुंबई में, गुजरात में। नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है वह मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश के लगभग कितने लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनी आदि का इस्तेमाल करते हैं? 1/4 लोग, 2/3 लोग, 1/3 लोग, 1/2 लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2/3 लोग। हमारे देश के 2/3 लोग उपले, सूखी लकड़ी, सूखी टहनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां स्वागत स्वागत को झूले झूले बोलते हैं? पश्चिम बंगाल, लद्दाख, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में स्वागत स्वागत को झूले झूले बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आंकड़ों के अनुसार सन 1997 से सन 2005 तक कितने किसानों ने अपनी जान खुद ले लिया था? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सरकारी जो आंकड़े हैं वे बताते हैं कि 1997 से 2005 तक में 1.5 लाख किसान अपनी जान खुद ही ले लिए थे, मतलब आत्महत्या कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, सलारगंज म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, झारखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। सलारगंज म्यूजियम जो है वह हैदराबाद में स्थित है। हमारे आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।